Assalamualaikum students. Hope you all are fine. This is my YouTube channel Math with Chazia. I hope के अब तक जितने भी videos upload हो चुकी मी हैं वो आप सबने देखी होंगी और आपको समझ में भी आ गई होंगी So uh, today I will explain uh, exercise 5.2 of class नाइन math new book. So uh, this exercise is specially for the absolute value uh, equations. so first of all i will explain what is absolute value and the absolute value of a number is the is its distance from zero on a number line Now let's suppose x is uh, any number on a number line So, us number ka zero se jitna distance banega that is known as the absolute value so what we called it uh, uh, if x is any point on the number line

ठीक है एन एब्सल्यूट वैल्यू दैट कंटेन्स अ वेरिएबल इन साइड द एब्सल्यूट वैल्यू अब ये आपके पास एक वेरिएबल है एब्सल्यूट वैल्यू बार्स के अंदर आपके पास एक वेरिएबल है ठीक है एन एब्सल्यूट वैल्यू दैट कंटेन्स अ वेरिएबल इन साइड द एब्सल्यूट वैल्यू बार्स दैट इज नोन एज द एब्सल्यूट वैल्यू इक्वेजन आपके पास खाली ये एक्स भी हो सकता है आपके पास ये एक्स प्लस वन भी हो सकता है एंड समथिंग कुछ भी आपके पास एब्सल्यूट वैल्यू अब इन बार्स के अंदर कोई भी आपके पास वेरिएबल हो उसके साथ कोई चीज़ प्लस वाइनस वट एवर जो भी वर्किंग हो रही है दैट इज़ ए अनदर थिंग लेकिन आपके पास इन एब्सल्यूट वैल्यू बार्स के अंदर कोई भी वेरिएबल है दैट इज़ नोन एज द एब्सल्यूट वैल्यू इक्वेजन सो लेट मी एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर वन अब हम देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर वन किस एक्सप्लेन करते हैं हमारा ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर वैल्यू एक्स इक्वल्स टू फाइव बाय थ्री अब आपने जब ये बार्स खत्म करनी है तो आपके पास इक्वल में पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ठीक है जीरो हो या पॉजिटिव नंबर हो <coughs> थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन जीरो एंड एनी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन पॉजिटिव साइड पे तो उनके दरम्यान जितना डिस्टेंस है दैट इज़ नोन एज द एब्सल्यूट वैल्यू आप चूँकि एब्सल्यूट वैल्यू एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए अगर पॉजिटिव होगा तो उसका सोल्यूशन करेंगे अगर नेगेटिव होगा तो वहाँ पर आपके पास आंसर ज़ीरो बन जाएगा अब हमने एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स ख़त्म करनी है बार्स खत्म करने का रूल ये है जब आप बार्स खत्म करेंगे तो इक्वल वाला जो है वो एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा और एक दफा माइनस में आ जाएगा हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू प्लस माइनस फाइव बाई थ्री अब एक्स को एक दफ़ा प्लस फाइव बाई थ्री में भी लिख देंगे और एक्स इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री सो द सॉल्यूशन सेट इज प्लस फाइव बाई थ्री एंड माइनस फाइव बाय थ्री यूर सेकेंड क्वेश्चन इज एक्स प्लस टू अब एब्सल्यूट वैल्यू में आपके पास क्या आ रहा है एक्स प्लस टू और इक्वल टू सिक्स आ रहा है सो बट यू डू नाउ आप इस एब्सल्यूट वैल्यू बार्स को खत्म करेंगे इसको खत्म करने के साथ क्या होगा आपके पास जो इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू पड़ी हुई है दैट बिकम्स प्लस माइनस सिक्स either it is plus 6 or minus 6 one time you write plus 6 and second time you write it minus 6 plus 2 uh, when goes to the other side it becomes minus 2 x equals to minus 6 minus 2 x equals to 6 minus 2 4 x equals to minus 8 so

फाइव वाई माइनस वन एप्सोल्यूट वैल्यू के अंदर फाइव वाई माइनस वन और इक्वल टू में आ रहा है नाइन सेम केस हम एब्सोल्यूट वैल्यू बार्स ख़त्म करेंगे तो हमारे पास इक्वल में क्या आ जाएगा प्लस माइनस नाइन अब आप एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे इसको प्लस नाइन में लिख लेंगे एक दफ़ा माइनस नाइन में लिख के आप सल्यूशन करेंगे वन माइनस वन गोज़ टू अदर साइड एट बिकम्स प्लस वन माइनस नाइन प्लस वन फाइव वाई इक्वल्स टू नाइन प्लस वन टेन और फाइव वाई इक्वल्स टू माइनस नाइन प्लस वन बिकम्स माइनस एट वाई के साथ फाइव मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा एंड दैट बिकम्स फाइव टू जार टेन वाई इक्वल्स टू टू Y equals to minus 8 by 5, or uh, no more solution. So that's why your solution set is 2 and minus 8 by 5. Now your fourth part is. क्वेश्चन नंबर फोर इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ़ एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टू यहाँ तक आपके फोर फाइव सिक्स फोर फाइव क्वेश्चन तक ईजी हैं ये इसी तरह से सॉल्व होंगे आप इसको एब्सल्यूट वैल्यू को इन बार्स को ख़त्म करेंगे तो इक्वल में आपके पास जो वैल्यू आएगी उसे आप प्लस माइनस में लिख देंगे लेकिन प्लस माइनस में लिखने के लिए आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए ठीक है अगर आपके पास यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है तो देर इज़ नो मोर सोल्यूशन फॉर दैट आप वहीं पे ख़त्म कर देंगे सो एक्स प्लस वन इक्वल्स टू टू एंड एक्स प्लस वन इक्वल्स टू माइनस टू एक्स इक्वल टू टू माइनस वन एक्स इक्वल्स टू माइनस टू माइनस वन एक्स इक्वल्स टू वन एंड एक्स इक्वल्स टू माइनस थ्री माइनस थ्री सो सोल्यूशन सेट बेकम्स वन एंड माइनस थ्री ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर था अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखें कैसे करना है क्वेश्चन नंबर फाइव में आपके पास आ गया है इक्वल्स टू जीरो यस जीरो का भी सोल्यूशन है आपको पहले बताया गया था कि एब वैल्यू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो आप ज़ीरो से काउंट करना स्टार्ट करते हैं

सो सोल्यूशन सेट इज ओनली टू नावी डोंट हैव टू सोल्यूशन सेट वी हैव ओनली वन सोल्यूशन सेट ह्योर क्वेश्चन नंबर फोर के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर फोर फाइव के बाद है आपका अब क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स इज थ्री इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू जी माइनस टू माइनस फोर क्वल टू माइनस टू बट यू डू नाओ फर्स्ट ऑफ ऑल आप एब्सल्यूट वैल्यू के साथ जितने एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं आप उन्हें खत्म करेंगे आपके पास सिर्फ एक साइड पर एब्सल्यूट वैल्यू रह जानी चाहिए ठीक है uh, सबसे पहले माइनस फोर वैन गोज टू अदर साइड इट बेकम्स प्लस फोर थ्री इंटू जी माइनस टू बेकम्स टू वन और एब्सल्यूट वैल्यू के साथ थ्री मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल्स के दूसरी साइड डाल के डिवाइड हो जाएगा टू बाय थ्री नाउ अब हम अपनी एब्सल्यूट वैल्यू की बार्स जो हैं वो उसको ख़त्म करेंगे तो जी माइनस टू बिकम्स प्लस माइनस टू बाय थ्री अब हम इसको एक दफ़ा प्लस टू बाय थ्री के साथ सोल्व कर लेंगे एक दफ़ा माइनस टू बाई थ्री के साथ सोल्व करेंगे टू बाय थ्री जी माइनस टू इक्वल्स टू माइनस टू बाय थ्री जी इक्वल्स टू टू बाय थ्री प्लस टू बाय वन जी इक्वल्स टू माइनस टू बाय थ्री प्लस टू बाय वन डिनोमिनेटर सेम किए दिस बिकम्स टू बाय थ्री प्लस थ्री टू जै सिक्स बाय थ्री सिक्स एंड टू एट बाई थ्री जी इक्वल्स टू डिनिनेटर सेम करने के लिए थ्री से मल्टीप्लाई किया माइनस टू बाई थ्री प्लस सिक्स बाय थ्री माइनस टू प्लस सिक्स बेकम्स फोर बाय थ्री सो सल्यूशन सेट बेकम्स एट बाई थ्री एंड फोर बाय थ्री क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको समझ में आ गया होगा नाउ योर क्वेश्चन नंबर सेवन एब्सल्यूट वैल्यू टू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू फाइव वेरी इजी क्वेश्चन आप क्या करेंगे एब्सलूट वैल्यू को खत्म करेंगे यू राइट प्लस माइनस फाइव टू एक्स माइनस वन इक्व टू प्लस फाइव टू एक्स माइनस वन इक्व टू माइनस फाइव टू एक्स इक्व टू फाइव प्लस वन टू एक्स इक्व टू माइनस फाइव प्लस वन टू एक्स इक्व टू सिक्स टू एक्स इक्वल टू माइनस फोर एक्स इक्वल्स टू सिक्स बाय टू टू थ्री जा सिक्स एक्स इक्वल टू माइनस फोर बाय टू 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 जा फोर सो दल्यूशन सेट बेकम्स थ्री एंड माइनस टू ये आपका क्वेश्चन नंबर सेवन का सलूशन था थ्री एंड माइनस टू इज द सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर सेवन भी इजीली आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन के बाद है क्वेश्चन नंबर एट एब्सल्यूट वैल्यू थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू सेवन ओके आप एब्सल्यूट वैल्यू बार्स खत्म करेंगे एब्सल्यूट वैल्यू बार्स खत्म की तो आपके पास इक्वल में प्लस माइनस सेवन आ गया आपने इसको एक दफा प्लस सेवन लिखा और एक दफ़ा आपने माइनस सेवन लिखा थ्री एक्स इक्वल्स टू सेवन माइनस टू प्लस टू इक्वल्स के दूसरी साइड पे जाके माइनस टू हो गया एंड थ्री एक्स प्लस टू सॉरी इक्वल्स टू माइनस सेवन माइनस टू थ्री एक्स इक्वल्स टू सेवन माइनस टू फाइव थ्री एक्स इक्वल्स टू माइनस नाइन अब थ्री जब उस साइड पर जाएगा थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके फाइव बाई थ्री बन जाएगा और एक्स इक्वल टू माइनस नाइन बाई थ्री 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 ज नाइन यू गेट माइनस थ्री सो द सोल्यूशन सेट इज फाइव बाई थ्री एंड माइनस थ्री क्वेश्चन नंबर एट के बाद है क्वेश्चन नंबर नाइन क्वेश्चन नंबर नाइन है फोर एक्स ओवर थ्री इक्वल्स टू ट्वेल्व आपके पास एब्सल्यूट वैल्यू एक साइड पे रहनी चाहिए जितनी एक्स्ट्रा वैल्यूज हैं आप इक्वल की दूसरे साइड पे ले जाएंगे थ्री यहाँ पे डिवाइड हो रहा है मैन इट गोज़ टू द अदर साइड तो आपकी एब्सल्यूट वैल्यू फोर एक्स इक्वल्स टू आती है थ्री टाइम्स बाई ट्वेल्व एंड दैट इज ट्वेल्व थ्रीज आ थर्टी सिक्स आपके पास एब्सल्यूट वैल्यू फोर एक्स आ जाती है थर्टी सिक्स अब जब हम एब्सल्यूट वैल्यू बार्स ख़त्म करेंगे तो वी गेट फोर एक्स इक्वल टू तो प्लस माइनस थर्टी सिक्स वी राइट इक्वल टू तो प्लस थर्टी सिक्स एंड फोर एक्स इक्वल टू माइनस थर्टी सिक्स वन फोर गोज़ टू द अदर साइड थर्टी सिक्स डिवाइडेड बाई फोर एक्स इक्वल टू नाइन

क्वेश्चन नंबर टेन इज फाइव एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू फाइव अब जब ये टेन एब्सल्यूट वैल्यू यहाँ पे रखने के लिए उस साइड पे गया फाइव माइनस टेन एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ फाइव एक्स इक्वल टू माइनस फाइव सो वी कान सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज एब्सल्यूट वैल्यू इक्वल्स टू माइनस आ चुकी है माइनस आएगी सो so, ये सॉल्व नहीं हो सकती है सो द सोल्यूशन सेट इज एमपटी आपका सोल्यूशन सेट एम्पटी आ जाएगा क्वेश्चन नंबर टेन के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर इलेवन वन माइनस टू वाई एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ वन माइनस टू वाई ओवर फोर इक्वल्स टू थ्री एब्सल्यूट वैल्यू के साथ फोर डिवाइड हो रहे वेन इट गोज़ टू ददर साइड इट बिकम्स थ्री टाइम्स बाई फोर सो एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ वन माइनस टू वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व अब आप क्या करेंगे एब्सल्यूट वैल्यू बार्स ख़त्म करने के लिए यू राइट इट प्लस ट्वेल्व एंड माइनस ट्वेल्व वन माइनस टू वाई इक्वल्स टू प्लस ट्वेल्व 1 minus 2y equals to minus 12 okay when your plus 1 goes to other side then minus 2y becomes 12 minus 1 same case is here minus 2y uh, becomes my equals to minus 12 minus 1 okay minus 2y equals to 12 minus 1 11 and minus 2y इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व माइनस वन माइनस थर्टीन वेन दिस माइनस टू गोस टू अदर साइड इट बिकम्स इलेवन बाय माइनस टू एंड दिस वाय बिकम्स माइनस थर्टीन बाय माइनस टू माइनस माइनस से कैंसल हुआ तो आगे पास सोल्यूशन सेट बनता है माइनस इलेवन बाय टू एंड थर्टीन बाय टू ये आपके पास सोल्यूशन सेट दोनों बनते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन के क्वेश्चन नंबर इलेवन के बाद है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है एक्स प्लस वन एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वन ओवर टू इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वन एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ टू एक्स माइनस वन ओवर थ्री रिमेंबर जब आपके पास इस तरह से टू एब्सल्यूट वैल्यूज आ जाए इक्वल्स में आप क्या करते हैं आप आप इनको एक साइड पे करेंगे और अपनी फ्रैक्शन ये यहाँ से इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आपकी एब्सल्यूट वैल्यू एक साइड पे आ जाएंगी टू एक्स माइनस वन एक बाई थ्री बिफोर सॉल्विंग दिस मैं इसको आपको दोबारा से लिख के बताऊंगी कि ये दोनों की अलग अलग एब्सल्यूट वैल्यूज़ लगी हुई हैं सॉल्व करने से पहले आ, आप इसको जस्ट राइट वन टाइम बिकॉज़ दोनों के अलग अलग से हम कंबाइन वन लिखते हैं देन हम इसको सॉल्व कर सकते हैं तो अब जब हम एब्सल्यूट वैल्यू ख़त्म करेंगे तो आपके पास इक्वल में आ जाएगा प्लस माइनस टू बाई थ्री अब आप एक दफा प्लस में लिख लेंगे और एक दफा माइनस में लिख लेंगे एक्स प्लस वन ओवर टू एक्स माइनस वन इक्वल टू टू बाय थ्री एक्स प्लस वन ओवर टू एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस टू बाई थ्री अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे थ्री इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू टू इंटू टू एक्स माइनस वनवल वाला टू माइनस टू इंटू टू एक्स माइनस वन थ्री एक्स प्लस थ्री इक्वल टू फोर एक्स माइनस टू वन टू multiplied by 2x becomes 4x when 2 multiplied by minus 1 it becomes minus 2 okay 3x plus 3 equals to minus 4x plus 2 when minus 2 multiplied by 2x becomes minus 4x and when minus 2 multiplied by minus 1 it becomes plus 2 okay uh, 3x plus 4x becomes minus 4x and minus 2 minus 3. 3x plus 4x equals to 2 minus 3. 3x minus 4x becomes minus x equals to minus 5. 3x plus 4x becomes 7x equals to 2 minus 1. 2 minus 3 becomes minus 1. ये माइनस इस माइनस से कैंसल हुआ एक्स इज इक्वल टू फाइव आया और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय सेवन आया सो सॉल्यूशन सेट आपके पास आ गया फाइव एंड माइनस वन बाय सेवन यस यही आपका सॉल्यूशन सेट आया ये आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व सॉल्व हुआ ओके स्टूडेंट योर क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू एक्स प्लस सेवन वी हैव टू एब्सोल्यूट वैल्यूज और दोनों इक्वल में पड़ी हुई है एंड देयर इज नो अदर नंबर तो आप क्या करेंगे रिमूव absolute value sign. So we get 5x minus 3 equals to plus minus x plus 7. So we write it x plus 7 and 5x minus 3 equals to minus x plus 7. So we write, uh, we combine like terms 5x minus x equals to 7 plus 3. 5x minus 3 equals to minus x minus 7. 5x minus x becomes 4x equals to 10. And 5x plus x equals to minus 7 plus 3. x equals to 10 by 4. And 6x equals to minus 4. 2 2s are 4 to 5s are 10, x equals to 5 by 2, and x equals to minus 4 by 6. 2 2s are 4 to 3s are 6, and our solution set is 5 by 2 and minus 2 by 3. This is how you solve your question number 13. अब अगर आपके पास टू एब्सल्यूट वैल्यूज़ आ जाती हैं आप एक ही वक्त में दोनों की एब्सल्यूट बार्स ख़त्म करेंगे एब्सल्यूट वैल्यू बार्स ख़त्म करेंगे वन यू रिमूव दैट आप जो इक्वल वाली वैल्यू है उसे एक दफ़ा प्लस में लिख के एक दफ़ा माइनस में लिख के सॉल्व कर लेंगे तो इस तरह से आपका सारा ये सोल्यूशन सेट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर फोरटीन क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज योर लास्ट क्वेश्चन एप्सल्यूट वैल्यू जी प्लस थ्री माइनस थ्री इक्वल्स टू फाइव माइनस एप्सल्यूट वैल्यू जी प्लस थ्री नाव यू गेट टू सेम एप्सल्यूट वैल्यूज लेकिन ये दोनों इक्वल के ऑपोजिट साइड पे हैं ये वाली उधर जाके माइनस हो रही है इस साइड पे आएगी दैट बिकम्स प्लस एब्सल्यूट वैल्यू जी प्लस थ्री जी प्लस थ्री और एप्सलियूट वैल्यू ऑलरेडी वी हैव इक्वल के उधर वाली जब इक्वल के इस साइड पे आई दैट बिकम्स प्लस जी प्लस थ्री एब्सल्यूट वैल्यू सो फाइव माइनस थ्री वन गोज़ टू अदर साइड बिकम्स प्लस थ्री अब देखें जैसे हम वैल्यूज़ को ऐड करते थे आपका एक वो, वो फॉर्मूला है कि आपके पास आ, इस तरह से वैल्यूज पड़ी हुई हैं एब्सल्यूट वैल्यू तो इसे आप क्या करते हैं दिस बिकम्स टू एब्सल्यूट वैल्यू ऑफ ए यानी जब सेम आपके पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं तो आप उनके कॉफिशंट्स को ऐड कर देते हैं ठीक है सेम केस विद दिस टू इंटू जी प्लस थ्री इक्वल्स टू एट वन टू गोज टू द अदर साइड एब्सल्यूट वैल्यू जी प्लस थ्री इक्वल टू एट डिवाइडेड बाय टू टू फोरजी प्लस थ्री इक्वल टू एब्सल्यूट वैल्यू जी प्लस थ्री इक्वल टू फोर अब हमने एब्सल्यूट वैल्यू साइन ख़त्म करना है हमने अपनी बार्स ख़त्म करनी है वी राइट एट प्लस माइनस फोर जी प्लस थ्री इक्वल टू फोर एंड जी प्लस थ्री इक्वल टू माइनस फोर जी इक्वस टू फोर माइनस थ्री जी इक्वल टू माइनस फोर माइनस थ्री जी इक्वल टू वन एंड जी इक्वल्स टू माइनस सेवन सो दल्यूशन सेट इज़ वन एंड माइनस सेवन ये आपकी एक्सरसाइज फाइव पॉइंट थ्री थी होपफुली आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक like करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी बाकी आगे लोगों तक भी पहुँचाएँ ताकि उन लोग वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें Thank you so much Allah Hafiz